जनता कौन समझ पा रही, जनता क्या कह रहे अभी जहां जनता खाडा में पड़ी है, तो खाडे हो निकलने की कोशिश कौन कर रही, खाडे हो निकलना हो पल्ले कुआ ढूंढा है कि खाडे हो निकल के क्या पढ़ना आपने कुआ में पढ़ना है, या पल्ले ही प्लान बनाए रखे कई बोला आदमी मने गांव में बूझ नहीं कि यार ये इबकाला बीजेपी वाले टिकट क्या नहीं मिलेगी, अच्छा उनके यह भी चिंता हो रही है, अच्छा पा पूछू जना क्या ढंग है, जमीन पर तो पूरी पूरी लोन है, भैंसा पर हण पर भी ले रहा है, टावरा की फीस बा जमाई को नहीं हो रही, और पाछे चिंता क्या की हो रही है, बोले बीजेपी की टिकट नहीं मिल रही, अरे तारे टावरा की फीस निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा कराने वालों आदमी बैठे, गवर्नमेंट कॉलेज खुलाने वालों बैठे, तारी बिजली फ्री कराने वालों बैठे, ताने कर्जे मुक्त कराने वालों बैठे, अभी इन दिनों में एक नयो पर्यटन और चल रहा है, अब इतनी ताकत आ गई है कि 50-50 हजार रुपया आपकी लुगाई पर भी लोन ले रहे हैं, यो अंतिम है डूबण को यो पूरो, और जो 50,000 रुपया लुगाई पर लोन ले रहे हैं वो भी मैंने पूछे बीजेपी टिकट खेल मिले, जबकि उनको लोन हूं मैं पिछड़ो छुटाउन की प्लान बना रही हूँ गाँव में कि को एक साथ ही जमा करवा दी हूँ सारो, तो उन पूछ रहे हैं कि बीजेपी की टिकट कैसे मिलेगी, तो ये खड्डा हूं निकलना हूं पल्ले ही कुओ ढूंढेगी आप आपकी बार और नीचा पड़ा जाके दम देने सगला भैन राम राम मऊ थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों खबर लोक चैनल थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों बात सियासत की, आपनों जो एक एपिसोड चल रहे है आज ये एक नया एपिसोड में आपने साथ एक जानो मानो चेहरो पंकज जी धनखड़ जो कि वर्तमान में जिला परिषद सदस्य ही लगातार बहुत सा आंदोलन ही जो जनता के लिए लड़ा, बिक मैनू लाइट की बात कर ली जाए, जो शराब ठेकेदारी बाकले बात कर ली जाए, या फिर किसाना की बात कर ली जाए, बहुत सा आंदोलन ही जो लगातार लड़ रहे हैं और संघर्ष जारी है। अभी मेरे साथ ही बातचीत कर चुके मैं बहुत सा मुद्दा ही बन लेके कि एक तो सौ बड़ो मुद्दों यो कि बिजली के लिए ये किसानान फ्री बिजली दी जाए, घरेलू बिजली है बिकले भी कि 300 यूनिट घरेलू बिजली करी जाए, एक अहम मुद्दों लेके गांव गांव गया, लोगों समझाया जागृत कराया, और आज भी मुद्दा पर भी आप बातचीत कर सकते हैं कि अभी जी तरीके सरकार है कि किसानों के लिए बिजली फ्री करी है और 100 यूनिट जो घरेलू बिजली फ्री दी जा रही है, सिलेंडर ही जो 500 रुपया कर दियो गयो, आप विभिन्न मुद्दा पर बातचीत कर सकते हैं, बने रहो वीडियो लास्ट तक देखो तो बिक मार पूरी जानकारी जो थान मिल जाएगी और वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। सर नमस्कार। नमस्कार रवि जी। सर खबर लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अभी बजट में जो सौ बड़ी एक घोषणा अगर किसानों के लिए आप मान के चला हाँ कि 100 यूनिट जो घरेलू बिजली करी गई है, एक बहुत बड़ो मूवमेंट थारे द्वारा एक लड़ाई जो लड़ी गई किसानों के लिए कि फ्री बिजली किसानों दी जाए, किसान बहुत ज्यादा परेशान हा VCR भरण समय पर बिजली नहीं आने लेके, और दोस्तों सर आज तो एक यह भी समस्या चल रही है कि बिजली तो आज भी फिर भी समय पर कोने रही के मानो हो, अभी जो सरकार के द्वारा बजट पेश करे गए है अभी संतुष्ट हो? देखो 2015 में पूरे राजस्थान में ये हालात हो गए थे और अपने जिले में तो विशेष तौर पर ये पोजीशन हो गई थी कि रात को अगर कोई मेहमान भी घर आ जाए और उसकी गाड़ी की लाइट पड़ जाए जी, तो पहले गाड़ी की तरफ नहीं देखते थे लोग, पहले जो तार डाल रखा था उसकी तरफ दौड़ते थे सारे घर वाले की फ्लाइंग आ गई जी, इतने भयभीत हो गए थे, रात को किसी को नींद नहीं आती थी, किसी प्रकार की आवाज़ हो जाती, कोई खुड़का हो जाता, कोई जोर से लोगों की कहीं आवाज़ आ जाती तो ये समझते थे कि फ्लाइंग आ गई, इसका मतलब ये तय था कि 80% लोग बिजली की चोरी कर रहे थे। चोरी कोई आदमी नहीं करता, परिस्थितियां चोरी करवाती हैं। हालात ये हो गए कि 2003 के बाद सारे किसानों की जमीन बैंकों के गिरवी चली गई, उसके बाद धीरे धीरे जो गहने थे गांव में उसमें भी 80% लोगों ने गहनों पे लोन ले लिया, फिर भी बचाव नहीं हुआ तो लोगों ने अपने जो पशुधन थे भैंस थी गाय थी फिर पशुओं पर लोन लेना शुरू कर दिया, स्थिति ये हो गई क्योंकि उनको अनाज का पूरा भाव नहीं मिल रहा था, कभी अकाल कभी अतिवृष्टि कभी ओलावृष्टि कभी सर्दी, इस तरीके के सारे जो प्राकृतिक प्रकोप थे वो किसानों पर थे, किसान धीरे धीरे दलदल में फंस गया, किसान कर्जे में डूब गया, ऊपर से बिजली की मार और फिर VCR,
तो ये पोजीशन हो गई कि अब किसान के पास बचने के लिए कोई चारा नहीं था। तो रोज अखबारों में सुबह सुबह खबर आती थी, आज सूरजगढ़ विधानसभा में 200 वीशियार भरी गई, खेतड़ी में 100 वीशियार भरी गई, कहीं 50, कहीं 150, ऐसे पूरी विधानसभाओं की रोज खबर आती थी वीशियार भरी जा रही है। इसका मतलब वीशियार तभी भरी जाती थी जब आदमी चोरी करता है जी। तो 3 के बाद और 15 तक दोनों जो पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों का शासन रहा। दोनों के शासन में वीशियारें भरी गई, लोगों पर मुकदमे लगे, ये डेली खबर आती थी। इसका मतलब किसान को और आम आदमी जो गरीब आदमी था, मेहनत करने वाला था, नरक में जाने वाला था, ये सब अगर बिजली चोरी कर रहे हैं जी, तो इनको चोर किसने बनाया? चोर किसने बनाया? दोनों पार्टियों के नेताओं ने चोर बनाया जी। तो वीसीआर के लोग मेरे पास आते थे, बहुत से ये सारे बिजली के अधिकारी जानते हैं, पूरे जो लोग वीसीआर कटवाने के लिए मेरे पास आए वो जानते हैं। मैं रोज बिजली विभाग में जाता था, तो मेरे दिमाग में यह हो गया कि अपन कितने एक दिन वीसीआर कटवाएंगे, क्यों ना राजस्थान में किसानों को बिजली फ्री मिले और घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री मिले और किसान कर्ज मुक्त हो, ये आंदोलन शुरू किया जाए ताकि ये बीमारी खत्म हो और इन नेताओं ने जो अपने लोगों को चोर बनाया वो साहूकार हो। तो ये आंदोलन मैंने 2015 में इसकी व्यूह रचना तैयार करी और 1 जनवरी 2016 को पहला धरना जिला कलेक्ट्रेट पर लगाया हमने। मेरे गांव से मैंने आंदोलन शुरू करके जिले के सारे जीएसएसओं पे हमने कार्यक्रम किए, फिर मैं राजस्थान के जितने भी विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सबको मैं ज्ञापन देने गया। तो के मान के चला कि जो बजट में घोषणा करी गई है आंदोलन को प्रभाव यो मान के चल सके आप? तो देखो, कांग्रेस अगर बिजली फ्री करती या भारतीय जनता पार्टी बिजली फ्री करती तो बिजली का थाना क्यों बनाया? बिजली की समस्या कोई आज हो तो ही कुने किसाना के सामने चोरी की, वीशियार की, किसाना की स्थिति को ही छुपेड़ी कुने ही, ये पूरा को पूरा आंदोलन प्रभाव। और आंदोलन छोटा आंदोलन कुने है, बाद में सारा एमएलए ज्ञापन देने के बाद में एक एमएलए भी पक्ष में खड़े कुने हो। फिर मैं राजस्थान का जितना भी किसाना का संगठन है, छोटा छोटा, कोई जिले को, कोई तहसील को, उन सबने कलेक्ट करके जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। फिर उन मैं कही कि तने अलग अलग जगह घूमने की जरूरत को ना, जे तहसील में बैठे आओ, जे गांव में बैठे आओ, जे जिले में ते हो, उठे कार्यक्रम ने शुरू करो। और फिर पूरे राजस्थान में रथ लेके एक यात्रा निकाली, जागृति यात्रा मुद्दन लेके। तो पहली सभा हमारी गंगानगर में हुई, सरदार रणजीत सिंह राजू, मुनेन्द्र जी मान थे, संतवीर जी थे, वो हमारे जुड़े हुए लोग थे, इस मोमेंट में हमारे साथ थे जी। उन लोगों ने पहली सभा करवाई, 10,000 आदमी इकट्ठे हुए। वो सभा होते ही ये टीवी चैनलों में, अखबारों में ये सारी चीज चली। तो धीरे धीरे जो हमारे जो किसानों के टाइप के जो नेता हैं, जो किसानों के आंदोलनों में हमेशा हिस्सा लेते हैं, उन लोगों ने भी रुचि दिखानी शुरू करी और वो रैलियां होती गई राजस्थान में, अम्बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ में, हमने जहाँ खेती बचाओ, अफीम बचाओ का आंदोलन चल रहा था किसानों का, उस आंदोलन के लोगों का समर्थन लिया। फिर मैं पूरे राजस्थान में पहले मैं घूमा, घूमने के बाद जब कार्यक्रम शुरू हुए, रैलियां शुरू हुई, धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया, जगह जगह वसुंधरा जी यात्रा निकाल रही थी, मुख्यमंत्री थी, तो वसुंधरा जी का हमने हर जगह विरोध किया, पूरे राजस्थान के हर जिले मुख्यालय पर विरोध किया। तो आखिर में जब जयपुर जिला, जयपुर की राजधानी में हमने बड़ी रैली करी, उस रैली के बाद सरकार में हलचल शुरू हुई, भाई बिजली देंगे, फ्री देनी पड़ेगी और कर्जा भी किसानों का छोड़ना पड़ेगा। तो अजमेर में जब वसुंधरा जी, लास्ट में ऐसी स्थिति हो गई, जब हर जगह विरोध हुआ तो अजमेर की रैली में वसुंधरा जी ने 10,000 रुपये किसानों की बिजली फ्री करी सालाना और 50,000 रुपये सोसाइटी के माफ हुए। घरेलू बिजली का मामला उसमें भी नहीं लिया गया। फिर ये आंदोलन वापस जिंदा रहा, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो कांग्रेस की सरकार ने बनते ही जो ये छूट थी इसको बंद कर दिया। और जब लोग किसान जा रहे थे पावर हाउस में पूछने के लिए, तो उनको ये कह रहे थे कि सरकार आपके खातों में पैसे भेजेगी, तो सबसे स्टाम्प लिखवा लिए, नोटरी करवा ली, किसी किसान के 500 रुपए खर्च हो गए, किसी के 700 खर्च हो गए, और फिर यूं उस बात को दबा दिया गया।
फिर हमने दोबारा आंदोलन शुरू किया। मैं जिला परिषद का निर्दलीय चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद ये आंदोलन मैंने मेरे जिला परिषद क्षेत्र से शुरुआत की। पहली रैली सुल्ताना में करी, आप भी उस रैली में आए थे जी, बड़ी रैली थी। फिर सुल्ताना में करने के बाद मैंने वापस जिले के पावर हाउस पर कार्यक्रम किए। फिर राहुल गांधी हनुमानगढ़ आए तो हम काले झंडे दिखाने वहां गए। फिर डूंगरपुर में रैली करी, फिर पूरे दोबारा पूरे राजस्थान में रैलियां शुरू हुई। तो सरकार को ये लगा कि अपनी तोहिन हो रही है, तो इस सरकार ने यह कहा कि नहीं नहीं, हम तो 2000 बढ़ा के देना चाहते हैं। तो मांग तो फ्री की थी, तो बढ़ाने की बात ही नहीं, सारी बिजली फ्री करनी थी। तो सरकार ने 12-12 हजार रुपए की घोषणा करी और 50 यूनिट घरेलू बिजली की घोषणा करी कि आंदोलन कैसे भी शांत हो। फिर लड़ाई खत्म नहीं, लड़ाई तो जारी रही। लड़ाई जारी रही तो सरकार ने यह सोचा कि इस बजट में अगर नहीं करेंगे तो चुनावी साल है, जा नहीं पाएंगे। तो इस सरकार ने 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री करी और किसानों की 2000 यूनिट तक बिजली फ्री करी। इसमें झुंझुनू जिले में 56,000 ट्यूबवेल ऐसे हैं कृषि के, जो आज बिजली बिल से मुक्त हो गए, आज वो साहूकार हो गए हैं। कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने किसान को चोर बनाया, उसको मजबूर किया, और आज हमारे इस आंदोलन की बदौलत 56,000 किसान जो ट्यूबवेल चलाते हैं वो आज साहूकार हो गए। तो के अभी संतुष्टि है? जय देखें कि हर बार है कि सरकार बन जाए। अब लास्ट 4 साल, मतलब 1 साल बची है, अभी दौरान यह घोषणा करी गई है कि भाई बिजली 2000 यूनिट फ्री है, घरेलू कनेक्शन की जो 100 यूनिट फ्री है, लेकिन के संतुष्टि है कि आगे आने वाला टाइम पर भी इस तरीकों ये जो व्यवस्था बनी रहेगी? अभी कुछ चीज अपन ने समझनी पड़ेंगे। आपने बहुत से लोगों ने जानकारी को नहीं बात की, लोग कह रहे हैं कि ये फ्री की चीज है, हमें देश ने बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। देश को हर आदमी टैक्स दे रहे हैं, कोई भी छोटे में छोटो तेज सामान खरीदेगा तो ऊपर टैक्स लाग रहे हो, तो टैक्स कौन दे रहे हैं? देश की गरीब जनता, देश को आम आदमी। तो जो टैक्स सरकार के कलेक्ट हो रहे हैं वो टैक्स के बदले कानून क्या कहे, भारत को जो कानून है वो क्या कह रहे हैं? टैक्स के बदले आपको बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, चिकित्सा ये देनी पड़ेंगी, ये आपको निःशुल्क मुहैया करवानी पड़ेंगी जी जी। और अगर आप टैक्स ले ही ले रहे हो और टैक्स के बदले आप वापस कुछ नहीं दे रहे हो तो वो लोकतंत्र में वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं हो सकती। फिर टैक्स का क्या करोगे आप? जब आप टैक्स पूरे देश से कलेक्ट कर रहे हो, जैसे अंग्रेज टैक्स लेते थे, देने के लिए कुछ नहीं था। अंग्रेजों के अलावा जिनका भी शासन रहा वो लोग लगान, वो लगान का नाम ही टैक्स है, आप समझ गए ना नया रूप उसका। तो वो लेते ही लेते थे, देते कुछ नहीं थे। आप लेओगे तो ये टैक्स कहां ले जाओगे फिर? बिल्कुल, तो टैक्स को तो इस देश के लिए तो काम में लेना, विकास तो तब होगा ना, देश का हर नागरिक शिक्षित होगा, हर व्यक्ति को बिजली पानी मिलेगी, सड़क मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, तभी तो देश तरक्की करेगा ना। अभी सब बड़ी किसानों की एक समस्या की बात करी जा रही है, तो ये टाइम ये बार सर्दियों बहुत ज्यादा किसानों जो नुकसान हुए है पहाड़ों पड़न की वजह, और अभी तक सरकार के द्वारा कोई इकले कोई पुख्ता प्रबंध कौन कराया गया के मानो इकले भी कोई मांग उठाई जागी, कोई आंदोलन खड़े करो जागो बिकमाए जो किसानों ने पहाड़ों फसल खराब हुई है अभी की सही गिरदावरी करवाई जाए और अभी के बाद में सही मुआवजो, उचित मुआवजो जो किसान ने मिल सके। गिरदावरी की मांग कलेक्टर साहब करी, सब जगह में मैसेज दियो, कृषि मंत्री जी हूँ, खुद मैं मिलके आयो, जयपुर डेलीगेशन लेके जयपुर मिलियो। कमी क्या है? कमी सरकार की कोने में कमी है, जो जनप्रतिनिधि आप चुनिया जिले में, एक भी विधायक, 7 विधायक हैं, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, दोनों पार्टियां गा रही। प्रभावी ढंग झुंझुनू जिले की बात, किसान की जो फसल बर्बाद होगी विधानसभा में रखी, उनके लिए कोई धरना प्रदर्शन करो। पटवारियां ने बुला के, तहसीलदार ने बुला के, कलेक्टर साहब ने बुला के कोई गिरदावरी रिपोर्ट बनवाई एमएलए, 7 का 7 एमएलए लोगों धोखो दे रहे हैं, लोगों ने गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस वाला गन आरेड़ो गन जाओ जितो गए मार गए लिए मेरी सरकार कौन मान रही, जीतेड़े गन जाओ जना वो बात ही कौन करे, बीजेपी वाला गन जाओ जो कहे कांग्रेस की सरकार है। अब नौलगढ़ में देखो आज किसान बैठे हैं सीमेंट फैक्ट्रियां खिलाफ, आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो बीजेपी वाला धरना दे रखो, और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है जहां कांग्रेस वाला धरना दे रखो, यो जो नाटक है ना, नाटक ने लोगों ने खत्म करना पड़ेगा अगर जीना है तो।
और अगर ऐ चलता रहा तो एक दिन ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यह पोजिशन हो गई है जिले में, एक छोटो से एक उदाहरण देके बताऊं, पदमपुर गांव पड़े झुंझुनू विधानसभा, तो पदमपुर गांव में एक भूत जल्दी उठ के, जो चोरी तो हो रही बिजली की, तो बतार गाल लियो और आपकी सासू ने बैठा दी उनके जो भी लोनी हो दूध आली उनके कन्ने मशीन कन्ने कि तू निगर आ कितने में छोटो मोटो काम कर लियो जी। इतनी देर में सुल्ताना की जो जय नहबा पहुंच गई, चार बजे सुबह, चार बजे की बात है, जब बा पहुंच गई तो बा पूछ ताणी ताई ने बोली, बोली ताई क्या कर रही है? तो बुढ़ी लुगाई बात जाने ही तो बैठा रहा कि भाई बिलोड़ लेकिन बैठी रही है, बोली के करा हाँ ये सुल्ताना में एक रांड आ रही है जो दूध ही गुन बिलोड़ दे तो मैं चार बजे उठ के बिलो रहा पाछे बा विचार भर जा। यानी यह पोजीशन आपने क्षेत्र में लोगों की कर दी, अन लोगों तो कण करी जनप्रतिनिधियां करी, विचार कौन बनाऊं तो जनप्रतिनिधि बनाऊं था ते सुल्ताना रैली में, मैं सुल्ताना रैली में क्या कही कि सारा बिजली का तार सीधा डालो और चलाओ, कहके भी कोई भी इशार भर जा कोई दिक्कत आ जाए मैं हूं। अरे राहुल गांधी घोषणा कर गो एक दो दस गिने का कर्जो माफ करांगा, बीजेपी सरकार में बिजली बिल समाप्त कर दिया और आज वापस बिलाम आ रहे, बिल जुड़ के आ रहे हैं, तो कानून अणके लागू को नया तो सारा कानून को ठेको आप ले लियोगे, तो मैं डलवाया मेरे क्षेत्र में सारे लोगों ने आ गई फोटो भी डाल के मैंने भेज दियो, तो कोई का संकट आया तो मैं साथ खड़े रही हूं की बदौलत है आज लोगों ने बिजली फ्री मिल रही है। 200 रुपया के लिए निजामपुर गांव में तार काट दियो किसान को, घरेलू उपभोक्ता को 10 बार फोन करे हो, मैं लाइन में कही बोले ऊपर उठ रहे हैं, 200 रुपया के लिए गरीब आदमी जलील कर रहे होते हैं, बिजली को कनेक्शन काट रहे हो, वेलफेयर सरकार है क्या? यह सरकार आंदोलन दबी है, पूरे राजस्थान को आंदोलन हो, पूरे राजस्थान में कोई विरोध करे हो, 3.5 सालों में घरा बड़े हो जना 10-10,000 रुपया वसुंधरा सरकार में माफ होया। अभी ये जो आंदोलन चाले हो, एक साल तक मैंने मेरे क्षेत्र का लोग पूछे हैं कि यार दिख रहे हो ना कठे जा रहे हो आजकल के करे है, अब उन के पतो की ते कया डूब रहे हो तने बचाने के लिए मैंने कठे कठे धूल खानी पड़ रही है, अहिया राजस्थान में घूमे हो जना आज ये फायदो मिले लोगों। बिल्कुल, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ो मूवमेंट जो कि आबकारी विभाग के खिलाफ थारो द्वारा करो गयो, क्योंकि कोरोना के दौरान लगभग जो देखा कि एक बहुत बड़ी आमदनी से शायद सरकार का है जो शराब हुआ है, भी कभी खिलाफ एक आंदोलन चलाए गए हो, काफी दिन तक लोग ठेकेदार हैं जो धरना वगैरह भी कराया गया, अभी कुछ राहत की सूचना बन मिल रही है तो क्या राहत बन अभी मिली है? अभी देखो राजस्थान में आम आदमी के दिमाग में एक धारणा बना रखी है कि ये ठेकेदार हैं, ये दारू को धंधो कर रहे हैं, लोग जबरदस्ती शराब पिला रहे हैं, एक छवि लोगों की खराब कर रखी है, ये सारा बेरोजगार लोग हैं और सरकारी काम कर रहे हैं, कोई दो नंबर को काम कर रहे हैं, सरकार लाइसेंस दे रही है, दुकान चला रहे हैं। अब सरकार जबरदस्ती दारू पिलाना चाह रही है लोगों ने ए बात को भंडो भी ए आंदोलन में फूट्यो है, सरकार कह रही है कि कोरोना काल में शराब कम क्यों पिलाई, ए बात पर पूरे राजस्थान के शराब ठेकेदारा की चल अचल संपत्तियां ने नीलाम करने का आदेश दे दिया, सारी गाड़ी जितनी भी गाड़ी घोड़ा उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया, सारा बैंक अकाउंट ठेकेदारा का सीज कर दिया, के बात पर कि कोरोना में शराब कम क्यों पिलाई, ए को मतलब सरकार शराब पिलाना चाहो है, ए बात ने लेके मैं राजस्थान में आंदोलन शुरू करो, मैं राजस्थान में को अध्यक्ष हूं, तो पूरे राजस्थान में शुरू करो तो एक भी विभाग को आदमी, एक भी सरकार का आदमी, सारा मेलांकन को एक भी आदमी कही कि फायदो मिलेगा, अरे नाजायज काम हो रहे, दुकान कौन खोली, दुकान ने ते बंद करवाई, यो आदेश थारो सरकार को, ब्याह शादी पूरी साल हो ही को न्या, ये बेरोजगार छोरा आज तेन की जमीन संपत्ति नीलाम कर रहे हो, थे ही ऑर्डर दियो बंद करने को, है बात नहीं लगे आंदोलन शुरू करो, पूरे राजस्थान के हर जिले में कार्यक्रम होया, पूरी राजधानी में प्रदर्शन होया और राहुल गांधी की यात्रा ने रोकने के लिए भरपूर प्रयास हुए, और फिर एक स्थिति है कि आगे हमारी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद में अलवर जिले में राहुल गांधी की यात्रा के टेंट में मैं घुस गया तो सरकार वार्ता करी, सरकार के समझ में आई, मुख्यमंत्री जी के बात समझ में आई, तो आज पूरे राजस्थान के शराब ठेकेदार ने 700 करोड़ रुपया को फायदो जो आंदोलन की देन है, तो यो अकेलो मैं यहाँ कहने की ठेकेदार ने फायदो दिलवाया, मैं पूरे बगड़बीड़ में टोल टैक्स लागू, झुंझुनू से निकलते बगड़बीड़ जो मठ स्टैंड है यहां 2005 में टोल टैक्स लगा था, वो टोल मैंने उखाड़ के फेंका, 40 गांव फ्री हो गए थे आने जाने वाले, वरना झुंझुनू में घुसेगा उसको पैसे देने पड़ेंगे, ये जो गवर्नमेंट खोले जहां बच्चा बच्ची पढ़ रहे हैं पूरे जिले में, कोई सोच भी कौन सको कि गवर्नमेंट कॉलेज को आंदोलन भी हो सके, 1996 में एक भी कॉलेज गुने पूरे जिले में 1996 में गवर्नमेंट,
मैं गवर्नमेंट कॉलेज को आंदोलन शुरू करो, गिरफ्तारियां हुई, जेलम रिया, आंदोलन चलिया, मारपीट भी बहुत हुई। आज करोड़ों रुपया गरीब माँ बापा की फीस बच रही है पूरे जिले में। आज सरकारी कॉलेज खुली, उनको फायदा मिलो, आंदोलन को अगुवा लीडर रही हो मैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी की बात, जयपुर जाता कोई भी कागज हो, माइग्रेशन लेना है, दूसरों डॉक्यूमेंट लेना है, दो दो दिन रुकना पड़ता, बच्ची के साथ माँ बाप ने जाना पड़ता, होटल लेना पड़ता, कोई किराया मकान लेना, कोई भी व्यवस्था करनी पड़ती, कितनों खर्च हो तो। शेखावाटी यूनिवर्सिटी को आंदोलन चलाया, आज शेखावाटी यूनिवर्सिटी बनी है। छोटो मोटो काम हो यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको काम करवा के, अगर आज काम नहीं हो तो शाम के बस में वापस आ जाओ, दूसरे दिन जाके करवा लो। आज कितने लोगों ने फायदा हो रहा। तो मैं तो यह कहना चाहूँ कि जो ईमानदारी लोगों ने लड़ो, लोगों ने फायदा दिलाया, लोगों के हित में काम हो, उन लोगों ने पब्लिक ने भी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो पब्लिक ही मरेगी। बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज़ ही मूवमेंट लगातार खड़ा कर गया बहु, यही मान के चला कि जिठे भी है जीत थोड़ी बहुत जरूर मिली है, क्योंकि थोड़ी गुना जे आंदोलन ने मैं 1996 में शुरू करो और आज 2023 एक भी आंदोलन मेरे जीवन का असफल नहीं है। उसके लिए मैंने घर छोड़े, जो मेरे से लगा वो लगाया, मैंने आंदोलन को जान की बाजी लगा के लड़ा, तब सफल होता है, वरना इतने बड़े आंदोलन सफल नहीं होते। फिर बिजली का जब एक एमएलए की हैसियत नहीं है, नंद किशोर मैरिया फतेहपुर से निर्दलीय एमएलए था, जब मैं उसके गरीब फ्री बिजली वाला ज्ञापन देने गया ने, तो उन्होंने कहा चाय पी ले, मेरे को तो कह दिया किसी को बता मत देना, लोग पागल बताएंगे, फ्री बिजली नहीं होगी, बिजली की रेट और बढ़ेगी, ये शपथ थे एमएलए के। तो ये लोग क्यों कौन समझ पाऊंगे। अगर बात करी जाए कि हरियाणा एक छोटो सो प्रदेश है, बिजली पानी सब कुछ फ्री बैठे मिल रहे हो, राजस्थान में आज आप बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, हाँ सब व्यवस्था ही भी के बाद में भी फ्री अटे क्यों कौन मिल पाओ लोगों। ये देखो कुछ कमियां अपने जो आम जनता ने की कमी है, जनता कौन समझ पा रही, जनता क्या कर रहे, अभी जहां जनता खाडे में पड़ी है तो खाडे हो निकलने की कोशिश कौन कर रही, खाडे हो निकलना वो पल्ले कुआ ढूंढा है कि खाडे हो निकल के क्या पढ़ना, आपने कुआ में पढ़ना या पल्ले ही प्लान बनाए रखे। कई बोला आदमी मने गांव में बूझ ली कि यार ये इबकाला बीजेपी वाली टिकट कहीं मिलेगी, अच्छा उनके यह भी चिंता हो रही है। अच्छा पा पूछू जना के ढंग है, जमीन पर तो पूरी पूरी लोन है, भैंसा पर हण पर भी ले रहा है, टावर की फीस बा जमाई को नहीं हो रही, और पछे भी चिंता क्या की हो रही है, बोले बीजेपी की टिकट नहीं मिल रही। अरे तारे टावर की फीस निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा कराने वालों आदमी बैठे, गवर्नमेंट कॉलेज खुलाने वालों बैठे, तारी बिजली फ्री कराने वालों बैठे, ताने कर्जा मुक्त कराने वालों बैठे। अभी इन दिनों में एक नयो पर्यटन और चल रहा है, अब इतनी ताकत आ गई है कि 50,000 रुपया आपकी लुगाई पर भी लोन ले रहे हैं, यो अंतिम है डूबण को यो पूरो। और जो 50,000 रुपया लुगाई पर लोन ले रहे हैं वो भी मैंने पूछे बीजेपी टिकट खेल मिले, जबकि उनको लोन हूं मैं, पिछो छुटाउन की प्लान बना रहे हूँ गाँव में कि को एक साथ ही जमा करवा दी सारो, तो उन पूछ रहे हैं कि बीजेपी की टिकट खेल मिलेगी। तो ये खड्डे निकलना हूं पल्ले ही कुओ ढूंढेगी, आपकी बार और नीचा पड़ा जाके दम देने। 2023 चुनावी साल है, कुछ ही महीना, चंद महीना, मतलब 10-11 महीना को समय है। बिल्कुल बिल्कुल, के अभी भी इस बार भी पंकज धनखड़ जी है जो कुछ खुद की आपकी झुंझुनू विधानसभा या फिर झुंझुनू का कोई भी, क्योंकि आज तो पूरा राजस्थान में जब आंदोलन कर रहे हैं तो कठाऊ भी आपकी दावेदारी पेश करने को विचार कर रहे हैं। मैं देखो झुंझुनू विधान जो जिला परिषद मेरा क्षेत्र है जेठू जीते हुए सारो झुंझुनू विधानसभा को क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा मेरी जो वर्किंग रही है स्टूडेंट जब लीडर हूँ मैं तब हूँ यही विधानसभा में मेरी रही है, यही विधानसभाओं में चुनाव की तैयारी कर रही हूँ, 100% विधानसभा को चुनाव लड़ूंगा। एक सौ बड़ो यो चीज पंकज धनखड़ पर पहले रहती कि भाई आज तक कोई भी चुनाव कौन जीता, लेकिन इस बार तो जिला परिषद सदस्य ही चुनाव जीत्या ही जनता सपोर्ट करियो सहयोग करियो है, तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी कई लोगों ने अभी जुट पा रहे हो जो मुद्दा ही मैं लोगों के सामने रख पा रहे हो। देखो मैं नहीं जीत्यो ने उनको घाटो क्षेत्र की जनता ने हो, अगर 8 में एमएलए को चुनाव लड़े 8 में एमएलए बन जाए तो 8-15 के बीच में जितनी भी शहर भरी गई जिले में तो करोड़ों रुपया अन्न ही फायदे हों तो लोगों ने। अब ये जितनों लेट मैंने जिता रहे हैं उतनों घाटो अन्न ही है, जितनों जल्दी जिताऊंगा उतनों ही फायदा अन्न है, तो घाटे न फेंको सो दो उन्हें तय करना, मेरे काम है लड़ने को। मेरा जो मुद्दा ही वह लोगों ने लगभग ने पता है, क्योंकि बहुत छात्र मेरे जीवन में निकल के कॉलेजों छाण मुँह लेके बहुत गया, आंदोलन भी रहा, आंदोलन कोई मैं अकेले ही कौन लड़े, मैं नेतृत्व ही करता, लेकिन आंदोलन में हजारों लोग पार्टिसिपेट करता, बसारा गाँव में
बहुत सी लड़कियां आंदोलन मारे सागे थाना में रही, मेरी मैडम जमानत करा के लाऊ थी मकाना कागज रख रहे उनकी, अया की लड़कियां भी जो आंदोलन हमारे साथ रही, तो जेड़ा भी रही, थाना भी रही, लड़ाई भी लड़ी पुलिस जल, एक लड़की तो सोनासर गांव की यहाँ की, जो गहलोत जी आए रहा मुख्यमंत्री जी बड़ी रेल लाइन को ब्रॉडगेज को उद्घाटन करने, और मारो कुछ मुद्दे पर आंदोलन हो, जब मांग करी तो पुलिस मारपीट शुरू, लड़कियां काला झंडा दिखाया तो पुलिस मारपीट शुरू कर दी, तो एक लड़की तो दोनों हाथ आया कर दिया, पुलिस वाला ने बोली अगर हाथ झुका देगा तो मर्द मान लूंगी, तो दोनों हाथों पर इतना फंटा मारा, लड़की हाथ कौन झुकाया, अय्या का संघर्ष का जो लोग ही आज गांव मौजूद है। बिल्कुल, अगर दावेदारी पेश कर रहा हो तो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं, बिग मैन अगर बात कर ली जाए तो अभी तक आपने खेल यूनिवर्सिटी आज तक सिर्फ अधर झूल में है, सौर्य उद्यान है भी कबर अभी तक कोई काम को नहीं हो पाए, बन के पूरा तैयार है जनता को पिसो बिग मैन लाग चुके लेकिन बिग ऊपर कोई कौन ध्यान दिए जा रहे हो, ऐसा विभिन्न मुद्दा ही की तरीकों में कोई समाधान कुछ सोच रहे हो दिमाग में की तरीकों अगर चीजों को सोल्यूशन कुछ निकल जाए। जो मुद्दों मेरे दिमाग में आगो बैठ गो पाछे पर मैं पीछे मुड़ के देखे बने तो वो तो समाधान होना तय है। मेरे तो हर गांव में खेल स्टेडियम में जिला परिषद में भी चुनाव में भी यह घोषणा करी और मैं उनके लिए प्रयास भी करूँ, हर गांव में बेहतरीन खेल स्टेडियम हो, खेल यूनिवर्सिटी बने, हर बच्चे ने देखो हर चीज को एक नशो है, शराब को भी नशो है, चिलम तम्बाकू को भी नशो है और खेल को भी नशो है, तो खेल गांव में धीरे धीरे जो ही खेल खत्म होया तो लोग दूसरे नशे की तरफ दौड़ पड़े, और अगर खेल गांव में वापस शुरू हो जाए, बढ़िया खेल स्टेडियम हो, सुबह शाम खिलाने वाला अच्छा कोच हो, तो लोग जो नशे का नहीं भाग रहे हैं, नशो खेल को चढ़ जाओ, खेल को चढ़ जाओ लोग खेल का नहीं रुचि हो जाएगी, तो मैं तो यह चाहूँ हर गाँव में नौजवान खेल का नहीं बढ़े, खेल को नशो लोगों पर चढ़े, खिलाड़ियों ने सरकार भी नौकरियां में एक सहूलियत दे, उनको एक कोटो रखे, पहले हो तो 2%, 3%, 5%, जिला स्तरीय खेलनीय खिलाड़ी का अलग कोटो हो, स्टेट को अलग हो, नेशनल को अलग हो, अगर अँ अवसर देगी तो लोग खेला का नहीं रुझान बढ़ेगा, तो दूसरी जो नौजवान दूसरी दिशा में जा रहे हो, अपराध की तरफ जा रहे हो, गलत कामों की तरफ जा रहे हो, वो भी रुकेगा, और गांव-गांव में खेल होगा तो मानसिक तनाव भी कम होगा, चिड़चिड़ापन भी कम होगा, लोगों का छोटी छोटी बातों पर घर टूट रहे हैं, घर में झगड़ा हो रहे हैं, माँ बाप के साथ झगड़ा हो रहे हैं, रिश्तेदारों में झगड़ा हो रहे हैं, तानो बानो है, यो भी बनेगा अगर खेल ज्यादा प्रमोट होगा। तो पंकज जी कौन सा के मुख्य मुद्दा लेके अभी आपका विधानसभा क्षेत्र में लोग जा रहे हैं और आपकी जो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि ये बाका मुख्य मुद्दा रहेगा अगर वह चुनाव जीते हैं तो यह मुख्य समस्या है बाकी समाधान करवाया जाए। देखो मैंने लगभग विधानसभा के सारे गाँव में लोग मैंने जाने हैं और मन जाने मेरे मुद्दा भी जाने वे, और उन्हें यो पता है कि वजह कितने लोगों ने हर घर में फायदे हो रहे, पहले कहता नेता कौन सा बोरी गे रहे हैं, 800-100 यूनिट होगी तो बोरी तो कुन्या है 5-10 किलो तो आओगे, हाँ। और जब किसाना की साल की मान लो अभी 15-15, 14-15 हजार रुपया हो जाएगा, तो 15 हजार में क्यों आगे कम हो कम 4-5 बोरी तो आऊंगा, पूरे क्षेत्र का लोग मेरे मुद्दा के बारे में जाने हैं और सबने पता है, जो मेरे जुड़ेड़ा लोग हैं उन्हें सबने पता है कि अगर यो चुनाव जीते हैं तो अकेलो विधानसभा नहीं फायदे होने वाले, आज फ्री बिजली को 8 लाख किसानों ने फायदे हो, आंदोलन शुरू करने करे पापा, तो सब ने पता है कि अगर ये चुनाव जीते हैं तो क्षेत्र नहीं पूरे जिले में भी फायदे मिले, पूरे राजस्थान के लोगों ने फायदे मिले, जो वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, कर्जे में डूबेड़ा है, जो हर तरीके हूँ आपकी पत्नियां पर लोन ले रखो है, पशुओं पर लोन ले रखो है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उन्हें भाव कौन मिल रहे हो, नाज की लड़ाई है, भाव की लड़ाई है, क्लेम की लड़ाई है, ये सारी लड़ाई ठीक होंगी, कुछ करप्शन भी कम होगा, लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, अभी आपने साथ पंकज जी धनखड़ जो कि अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य आपने झुंझुनू ही बातचीत करी, जानकारी ली कि कौन सा के मुख्य मुद्दा ही और जो आंदोलन लगातार अंक द्वारा जो लड़ा गया बकमानू मान के चले कि भाई अंक आंदोलन को भी एक प्रभाव हो, जिसकी वजह आज सरकार है जो किसानों के लिए फ्री बिजली करी है और एक साथ में जो 100 यूनिट किसानों फ्री आज घरेलू बिजली की मिल रही है वो एक अहम रोल है। इसके अलावा दोस्तों आज जो शराब ठेकेदार हैं बाका 700 करोड़ रुपया माफ होना एक बहुत बड़ी बात इन माना आप, क्योंकि जिस तरीका कोरोना के अंदर शराब की दुकान बंद ही और बाका ऊपर ये जो
चार्ज लगाया गया है, बहुत एक बहुत बड़ी राहत बन मिली है। बातचीत करी, जानकारी ली कि कौन सा के मुख्य मुद्दा पर ये अगर दोबारा आपकी दावेदारी पेश करे हैं तो वह जनता बकमान राहत बैंक द्वारा दिलाई जाएगी। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी ऐसी शानदार जानकारी के लिए खबर लोक चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।